दिल्ली में यूथ कांग्रेस कारकुनान का मुजाहरा जारी है। मणिपुर तशद्दुद को लेकर कांग्रेस का हंगामा, कई कांग्रेस कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यह मुजाहरा किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से डिटेन करने की कार्रवाई जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस कारकुनान है जो इस वक्त मणिपुर के हालात पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की ओर से अलग अलग विंग्स की ओर से इस तरह का एहतजाज किया जा रहा है, जंतर मंतर पर बैठकर धरना दिया जा रहा है कि मणिपुर पर बात हो। अपोजिशन में जहां एक तरफ गुस्सा है और जवाब की मांग की जा रही है, वहीं पुलिस दूसरी तरफ अपनी कार्रवाई को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त दिल्ली में यूथ कांग्रेस कारकुनान का मुजाहरा जारी है। मणिपुर तशद्दुद को लेकर कांग्रेस का हंगामा, तस्वीरें भी सामने आई कांग्रेस यूथ कांग्रेस की जानिब से यहां पर हंगामा किया गया, एहतजाज किया जा रहा था। मांग यही कि मणिपुर के मुद्दे पर बात हो और मणिपुर में इंसाफ हो, मणिपुर का जो तशद्दुद है उसे अब पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा चल रहा था, वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन कारकुनान को रोकती नजर आई। आपको बता दें कि कारकुनान को डिटेन किया गया, कई बसों का इंतजाम यहां पर किया गया था जिससे उन्हें डिटेन किया। ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही का सबूत है कि अगर कोई अपनी हकों की आवाज उठाना चाहता है, अगर लोगों की हकों की आवाज बनकर वो प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उसके साथ ही ऐसा व्यवहार करती है, लाठियां चलाती है और उनको उठाकर जेल में डालती है। तो ऐसी जो तानाशाही यूथ कांग्रेस बिल्कुल सहन नहीं करेगी। जितनी देर तक जो आज देश में माहौल चल रहा है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, जो मणिपुर में देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला, ये यूथ कांग्रेस इसके लिए हमेशा अब आवाज अपनी बुलंदी से उठाती रहेगी और सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो तेज करती रहेगी।